आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स वेलकम। सो द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन एनिमल्स। सो गाइज, यहाँ पर हमें कुछ फाइलम दे रखे हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं और हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहला फाइलम है एनिलिडा। तो इसमें क्या गिवन है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड शाइजोसीलोमेट एनिमल्स। ओके, सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या रहता है गाइज, सेगमेंटेशन प्रेजेंट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। मतलब ये क्या रहता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इस फाइलम में, ये बाहर से भी सेगमेंटेड होते हैं और अंदर से भी इनका सिस्टम जो है वो सेगमेंटेड रहता है। तो इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। एंड शाइजोसीलोमेट क्या होता है गाइस, ये जो सीलोम होती है इसमें, ये कैसे बनती है, जो मीजोडर्म होती है दैट स्प्लिट्स, मतलब मीजोडर्म जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है एंड एक कैविटी डेवलप होती है, सीलोम डेवलप होती है अराउंड, मतलब इट इज प्रेजेंट बिटवीन गट एंड मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी राइट। तो ये जो है ये एनिलिडा में होता है। तो ये जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फाइलम के, ये सही हैं। ओके, देन सेकेंड हमें बोल रखा है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का क्या कह रखा है, जॉइंट अपेंडेजेस विथ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो गाइस, इसमें ऑर्थ्रोपोडा का मतलब ही यही होता है। ऑर्थ्रोपोडा को अगर हम डिवाइड करें तो ऑर्थो यहाँ पर मतलब होता है जॉइंट और पोडा यहाँ पर मतलब होता है अपेंडेजेस। तो ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो जॉइंट रहते हैं, अपेंडेजेस होते हैं ना, वो जॉइंट रहते हैं। ओके, एंड इट इज सेइंग इट हैज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये गलत है, इनमें क्या रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। मतलब कि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो वो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज नहीं ट्रेवल करता, जो सारे ऑर्गेनिज मतलब इसमें जो सारे ऑर्गन्स होते हैं दे आर डायरेक्टली बाथेड इन टू ब्लड राइट। तो इट डू नॉट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन थर्ड हमें बोला है टीनोफोरा। टीनोफोरा बोला है शो बायोल्यूमिनेंस एंड ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट। सो गाइज, ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सही है। बायोल्यूमिनेंस मतलब ये शाइन करते हैं, ये चमकते हैं। ओके, और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें 8 कॉम प्लेट्स रहती हैं, मतलब 8 ऐसे प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन डी ऑप्शन बोला है पॉरीफेरा। आर्कियोसाइट्स आर कॉल्ड कॉलर सेल लाइंस, लाइंस द स्पॉन्जोसील। तो गाइज, ये गलत है स्टेटमेंट क्योंकि आर्कियोसाइट्स को कॉलर सेल्स नहीं बोलते, क्वेनोसाइट्स को कॉलर सेल बोलते हैं। क्वेनोसाइट्स आर नोन एज कॉलर सेल्स। ओके, तो ये जो होते हैं ये स्पॉन्जोसील को लाइक करते हैं और इनका काम क्या होता है, जैसे वाटर एंटर होता है थ्रू स्पॉन्जोसील, इसमें ये कॉलर सेल्स जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और बाकी मिनरल्स जो वाटर के अंदर होते हैं, फूड वगैरह, ये सब ये जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं ये उसको ट्रैप करते हैं। ओके, तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार गाइस। हमारा पहला ऑप्शन है ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये गलत है क्योंकि बी जो हमने पढ़ा कि बी गलत है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, ऑर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेकेंड ऑप्शन है ए सी डी आर करेक्ट। देन इसमें गाइस डी जो ऑप्शन है वो गलत है, आर्कियोसाइट्स नहीं क्वेनोसाइट्स रहते हैं वो। देन थर्ड बोल रहे हैं बी एंड डी आर करेक्ट, तो इसका आंसर है, अब बी बोल रहे हैं बी जो है वो इनकरेक्ट है एंड डी भी इनकरेक्ट है। तो ये सही है क्योंकि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑर्थ्रोपोडा और पॉरीफेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं वो गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है गाइस, इसका आंसर हो जाता है सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।